नमस्कार, मैं हूं अशोक कलबेला और आप देख रहे हैं एमयूजेड न्यूज। तो चलिए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 25 महत्वपूर्ण खबरों पर सिर्फ 5 मिनट में। बगहा मधुबनी प्रखंड के कठार पंचायत अंतर्गत धुनीहवा गांव में एक युवक की मौत देहरादून में हो गई। सोमवार को युवक का शव गांव लाया गया। शव पहुंचते ही घर में कोहराम मच गया। युवक की मौत ठंड लगने से हुई है। मोतिहारी में विश्व स्तर पर आयोजित होने वाली जागृति यात्रा में चंपारण की बेटी अभिलाषा भारती का चयन हुआ है। इस यात्रा के माध्यम से ऐसे युवाओं को विश्व की प्रथम अद्वितीय ट्रेन यात्रा से पूरे भारत का भ्रमण कराया जा रहा है और उन्हें स्वावलंबन हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा। मोतिहारी चंपारण को गौरवान्वित करते हुए देश की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने वाले एयरफोर्स के फाइटर प्लेन पर केसरिया का युवक सवार होकर देश की सुरक्षा करेगा। केसरिया थाना क्षेत्र के करहान निवासी आदित्य कुमार ने एनडीए के 3 साल के कठिन प्रशिक्षण के बाद हैदराबाद के एयरफोर्स एकेडमी में 1 वर्ष के विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर फाइटर पायलट के रूप में चयनित होकर क्षेत्र के युवा वर्ग के लिए आदर्श प्रस्तुत किया है। बगहा ठकराहा में पुलिस को सोमवार को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने यूपी व बिहार में सक्रिय बाइक चोर गिरोह का उद्भेदन किया। सोमवार की सुबह उमा टोला गाँव से छापेमारी कर चोरी की 2 बाइकों के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुजफ्फरपुर में धान की भूसी उड़ने से आक्रोशित लोगों ने सोमवार को बेला थाना क्षेत्र के एक राइस मिल पर जमकर हंगामा किया। मिल से हवा में धान की भूसी उड़ने के कारण काफी समय से आसपास के लोग परेशानी झेल रहे थे। इससे सोमवार को ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ गया और उक्त मिल पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। समस्तीपुर के एक और बेटे ने बॉलीवुड में अपनी पहचान कायम कर ली है। बॉलीवुड फिल्मों में जिले के मुसरीघराड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत उदापट्टी गांव निवासी अजय कुमार ने बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर बेहतर काम किया है। संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनाई गई फिल्म पद्मावत में कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था। रविवार को मुंबई में स्टार स्क्रीन अवार्ड प्रतियोगिता में अजय को यह सम्मान दिया गया। मधेपुरा चौसा में 15 बोतल विदेशी शराब के साथ एक महिला सहित 4 कारोबारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार किए सभी कारोबारी थाना क्षेत्र के होसई का रहने वाला बताया गया। दरभंगा नगर थाने क्षेत्र के लालबाग से ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली अगरबत्ती बेचने वाले गिरोह को पुलिस ने सोमवार को भंडाफोड़ किया। पुलिस ने एक कारोबारी को गिरफ्तार कर उसके पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने रविवार की रात्रि गोपालपुर थाना क्षेत्र के कोटनहरवा गांव के समीप वाहन चेक जांच के दौरान बाइक से शराब लेकर आ रहे 3 धंधेबाजों को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच पुलिस ने बाइक से 537 बोतल शराब बरामद किया। गोपालगंज में वर्ष 2018 के दौरान बिजली की व्यवस्था में अपेक्षित सुधार हुआ। विभाग को नए संसाधन उपलब्ध हुए, साथ ही पुराने उपकरणों की क्षमता में वृद्धि हुई। इससे न केवल शहरी क्षेत्र में बिजली आपूर्ति के घंटे में सुधार हुआ बल्कि गाँव में भी बिजली आपूर्ति की अवधि बढ़ी। शिवहर जिले में आगलगी की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए दमकल की गाड़ियों को लेकर अब परेशानी नहीं होगी, क्योंकि दमकल की 3 गाड़ियां जिले को मिलने जा रही है। उक्त जानकारी जिला अग्निशमन पदाधिकारी दिलीप कुमार ने दी है। वहीं कहा है कि उक्त गाड़ियों के आने से जिले में आगलगी की घटनाओं पर नियंत्रण में सुविधा होगी। शिवहर के पुरैया थाना क्षेत्र के आसोपुर गाँव में सोमवार की शाम मनोज राय के घर में आग लगी। वह LGP गैस का लीक होना बताया जा रहा है। जब तक लोग संभलते आग पूरे घर में फैल गई, जिसकी जद में आ जाने से एक बच्चा झुलसकर जख्मी हो गया। सीतामढ़ी शिवहर एनएच 104 की पहचान इन दिनों धूल के गुब्बारे से हो रही है। खासकर बागमती नदी के दोनों तटबंध के बीच की गाड़ी गुजरने के बाद पीछे वाले का धूल स्नान होना तय है। सबसे बड़े खतरे की बात यह है कि ऐसे में दुर्घटना की संभावना बन रही है। कई लोग दुर्घटनाग्रस्त भी हो चुके हैं। किशनगंज नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे द्वारा सिलीगुड़ी से बांग्लादेश के रास्ते सियालदह कोलकाता ट्रेन चलाने की योजना तैयार की गई है। यह पुरानी रेल ट्रैक है जिस पर बांग्लादेश की स्वतंत्रता से पूर्व तक ट्रेन का परिचालन जारी था। अररिया के PHED विभाग के द्वारा लाखों रुपए की लागत से बना सोलर एनर्जी द्वारा संचालित वाटर प्लांट इन दिनों विभागीय देखरेख के अभाव में बंद पड़ा है, जबकि सरकार पूरे प्रदेश में हर घर नल का जल योजना को फलीभूत करने में लगी हुई है। सुपौल थाना क्षेत्र के जदिया पंचायत अंतर्गत इस्लामपुर गांव में रविवार की रात चोरों ने 5 घरों में चोरी की घटना को अंजाम देकर हजारों रुपए की संपत्ति चुरा ली। स्थानीय लोगों का कहना है कि ठंड तथा कोहरे का फायदा उठाकर चोरों द्वारा करीब 5 घरों को निशाना बनाया गया। सुपौल प्रखंड मुख्यालय स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय के मैदान में सोमवार को इस्लामिया क्रिकेट क्लब क्योटा पट्टी के द्वारा आयोजित 7 दिवसीय T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन पिपरा विधायक यदुवंश कुमार यादव ने फीता काट कर किया। मधुबनी जयनगर रेलवे स्टेशन से पश्चिम नवनिर्मित नेपाली स्टेशन के स्टाफ क्वार्टर के पास रविवार रात आग लगने से 2 मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गया। बताया जाता है कि मोटरसाइकिल में आग सिगरेट और माचिस की जलती तिल्ली के कारण लगी। सीतामढ़ी भिट्ठा ओपी पुलिस ने नेपाली शराब लदी एक कार को जब्त कर लिया, लेकिन चालक व धंधेबाज फरार हो गया। सीतामढ़ी के बरगनिया प्रखंड के बराही मिडिल स्कूल में व्याप्त अनियमितता एवं हेडमास्टर को बर्खास्त करने की मांग को लेकर छात्र तीसरे दिन सोमवार को भी कक्षा का बहिष्कार कर हंगामा किया।
सिवान प्रखंड के राजकीय मध्य पतेजी बहादुर विद्यालय में सोमवार की सुबह ग्रामीणों ने शिक्षकों के रवैया से नाराज होकर विद्यालय में तालाबंदी कर दी। इसके बाद ग्रामीणों ने शिक्षकों एवं पदाधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी। दानापुर के छावनी परिसर क्षेत्र में अनुमंडल अधिकारी अंशुल कुमार, रक्षा संपदा अधिकारी विश्वास सोहेल और छावनी अधिशासी अधिकारी ललरीन पुई त्रासेल के नेतृत्व में सोमवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इससे क्षेत्र के लोगों में हड़कंप मच गया। बेगूसराय के गढ़पुरा थाना क्षेत्र के रहदेवल पंचायत के बलुआहा गांव में सोमवार को ही आग लगी की घटना में 5 परिवारों का घर जलकर राख हो गया, जिसमें करीब 3 लाख से अधिक की क्षति का अनुमान है। वैशाली के बिदुपुर प्रखंड और राघोपुर प्रखंड को जोड़ने वाली जमींदारी घाट पर गंगा नदी में पीपा पुल के चालू हो जाने से दोनों क्षेत्र के लोगों ने राहत महसूस की है। पुल के चालू होने से पूर्व जुराव नगर पंचायत की मुखिया ममता देवी ने सत्यनारायण भगवान की पूजा विधि विधान के साथ की। मुजफ्फरपुर में साहू रोड स्थित बालिका भवन को ध्वस्त करने का काम 5वें दिन भी जारी रहा। रविवार को अवकाश के बाद नगर निगम के 2 दर्जन मजदूरों ने सोमवार को बालिका गृह भवन की 4थी मंजिल को तोड़ने का काम जारी रखा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बन रही है हमारे साथ और देखते रहिए MUZ News।